मतलब आरएसए वाले बोल रहे हैं कि गाड़ी ऑन करो और गाड़ी को थोड़ी देर रोको और ठंडी करो, फिर बाद में और चलाओ। कि मैं आया उनका रोड से असिस्टेंस, कुछ काम करनी है, कोई कोई काम करना बकवास। सो फाइनली अब वापस है निकलने की करदार पर, हेडिंग फॉर जोधपुर, लाइक वी आर इन जोधपुर। हाँ हाँ सर, जरूर सर, जरूर दिखाएं आपकी चाल। चलो चलते हैं, क्योंकि हमारी बाइक नीचे खड़ी है, तो जब तक लिफ्ट देंगे करत भी हमें नीचे तक, और उसके बाद में फिर फाइनली घर की ओर। आज 200 सीसी 390 से लिफ्ट लेते हैं। Yeah. कभी तो 390 सीसी वालों को भी मौका मिलना चाहिए। बट द सेशन वॉज गुड, द ऑफ रोडिंग वर टू गुड, एंड द कंपनी वॉज एब्सोल्यूटली फन। सो थोड़ा सा रॉ रहेगा ये वीडियो, तो प्लीज़ एंजॉय करना। बट जितना भी मैं कैप्चर कर पाया वो आपके सामने है। ये रही हमारी बाइक, तो लाइक हम यहाँ से हमारी बाइक लेंगे और फिर चलेंगे। चलो 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 जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ बिंदास, नहीं क्या क्या गर्म हुई है सीट। गजब गर्म हो गई सीट, तो मतलब ऐसा है खड़ा होकर चलानी पड़ेगी गाड़ी, इतनी गर्म है। बोलते हैं ना कि राजस्थान में रोटी सेक सकते हैं, वैसी हालत हो गई है। बहुत एटीएम वाले अगर कभी ऐसी जगह राइड करवाना तो मज़ा आ जाएगा, अलग ही आपको करने का। जो ऐसी क्या तो ऑफ रोड हैं, moments later finally we are heading, chalte hain, baitho। theek hai chal nahi rahi karat bhai ki gaadi, kya hua हवा भर गई। ठंड में लो, इधर लो, ठंड में ही थी। ठीक है भाई, ये खुल है, ये नेक्स्ट जो होना चाहिए उतना नीचे नहीं गया, थोड़ा आगे ले लो। सेल्फ में कुछ इशू हो गया लगता है। किक किक का इसमें सिस्टम ही नहीं है। हां ये पिकअप नहीं लेगी। एक सेकंड रेस मान, बस आप नॉर्मल लगा, छोड़ दो, रुक जाओ रुक जाओ, वापस बंद करो, वापस बंद करो, दो मिनट रुक जाओ। धक्का मार के हो जाती है। अरे ये मेरी उस गाड़ी के साथ भी, अपाचे के साथ भी हुआ था चाहते हुए। हाँ नहीं, फिर पड़े रहने से ठीक हुई ना, गर्म हुई होगी। पागल है कहीं, बंद करी हुई गाड़ी, अभी तो बंद हुई हुई थी ना पूरी। अरे भाई चलती चलती इन्हें आओ तो ही रोक, वापस क्यों बंद कर दी वेला। और गाड़ी है कोई वैन चकड़ा तो है नहीं जो। हाँ अभी ये देना और रेस भी देना, ऑन करो प्लीज। देन रेस नहीं पता, प्लस प्लस का तो कोई सेंस नहीं है। रेस के रेस के उसके इसमें तो नहीं, एक्सेलेटर में खराबी कोई हो गई है। लाइट वगैरह बंद नहीं होती है,
पिकअप ही नहीं लेके आ जाते हैं। तो फिर साले मेरे को क्या बोले कि इतनी देर में तो डेढ़ घंटा आने में लगाएगा वो, तो मैंने कहा साले स्पोर्ट्स बाइक का शोरूम है तुम्हारे पास, एक घंटा तो हमने नहीं लगाया सुबह आने में, और तुम्हारे मैकेनिक को आने में एक घंटा लगेगा। केटीएम का मैकेनिक उठा के ले आया, वही बोल रहा हूँ नरेंद्र जी को फोन लगाओ ना साले। अरे बस किस काम के यार ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सारा शोरूम वाले सब ऐसे ही। ये बात तो सही है, बाइक का भी थोड़ा टाइम पहले ऑयल चेंज करा और पता नहीं बाइक में इशू आ रहा है, बाइक नहीं चल रही है। अभी बताना ऑन करके क्या दिक्कत आ रही है। उसमें थोड़ा ना आएगा केटीएम वालों की गलती, आएगा ना केटीएम ऑन करके बताना, ऑन करके बताना क्या दिक्कत, केटीएम में हुई दिक्कत। अब फोन नहीं उठाएंगे ये, एक तो टाइम पर फोन भी नहीं उठाते कभी जिंदगी में, बाद में आके बोलेंगे, बाद में आके बोलेंगे अरे सॉरी है मैं दादा मैं है ना मीटिंग में था। नहीं ये केटीएम वालों की गलती है, ऐसे मैंने 4-5 बाइक देखी, अभी ये चालू हुई है बंद हो जाएगी वापस। वीडियो बंद कर, वीडियो पॉज करो यार, बेइज्जती हो गई आप और बेइज्जती हो। बस वो वीडियो ऑन करो, आ रहा है ना फोन। हेलो नरेंद्र जी, वो लोग तो अब 2-3 घंटे लेंगे, अब आपके यहाँ से कोई मैकेनिक भेज सको तो बताओ। तो उन्होंने कम से कम 2 घंटे बोला मैकेनिक आने में लगेंगे, और जिसके अंदर और जिसके जिनको उन्होंने जिनको इन्होंने नंबर भेजा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, मैंने कॉल भी करा। करो यार फ़ोन नहीं उठा रहे केटीएम वाले, फोन वीडियो डालने जानी चाहिए, ये धंधे हैं। लेट्स सी अब क्या बोलते हैं ये केटीएम के मैनेजर, गोली देंगे गोली। लेट्स सी मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कौन सी मीटिंग लगती है आज इनकी, वो होल्ड पे ले रहे हैं, जिंदगी होल्ड पर है केटीएम वालों की। अच्छी खासी 4 लाख की बाइक आज स्टार्ट नहीं हो रही, सुबह से हम चला रहे हैं उसके बाद। और हमें ऐसी चीज़ें खा के हमारा चीज चलानी पड़ रही। अरे पीछे अरे उनको दो वो पीछे। ये देखो एडवेंचर को एवेंजर इन्होंने बना दी। पक्का ना, क्योंकि यहाँ धूप में खड़ा हूँ परेशान हो रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स सी बोला तो है आधा घंटा, आधा पौन घंटा तिवरी से गाड़ी एडवेंचर है, सिर्फ मैकेनिक खोल सके। हाँ हाँ हुक्म कराओ आई बात सही है, इन महीने कहीं एलन क्यों लागू उड़ी इन महीने करे फंको की जगह करे रेडिएटर आगे लागोड़ो है और इन जस्ट लाली साइड पंखा लागोड़ा दो ओ जी को जीव ना आज देखी ना जी को चली करो तो चाबी स्टार्ट करो एक बार तार लागोड़ो है एंड रेडिएटर एडजस्ट करने है चाबी स्टार्ट नहीं हो रही है पंखा चलो हां अपना पंखा नहीं चल रहा है, हमारे तो पंखा बोल दिया है ना, तो कूल नहीं कर रही ना, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल की नहीं है कूल कर रही थी।
देख बेटा हल्के हल्के उठाओ, ये चीज में प्रॉब्लम है कुछ। गाड़ी हमें चल रही है लेकिन कहीं नौफंग को नहीं चल रही हो। ये तो फिर जैसे जैसे गर्म होगी फिर इसको ठंडी करनी पड़ेगी, मतलब समझ गए। गाड़ी बंद करिए लगभग एक घंटा डेढ़ घंटो तो समझ गया बेटा। हाँ तो हो रहा है, वो कूलेंट का प्रॉब्लम है उसमें, वो अब जैसे जैसे गर्म होगी ना पंखा चल नहीं रहा तो वो रुकेगी गाड़ी, अब वो बंद होगी पूरी। हेलमेट दे जहाँ तक पंखा तो, अरे पंखा चल रहा है कूलेंट का भी थोड़ी देर पहले, ठंडी हो गई ना अभी कहाँ चलेगा, अभी चल रहा था क्या? अभी जब मैं तो वहाँ पे ठीक है, मतलब आरएसए वाले बोल रहे हैं कि गाड़ी ऑन करो और गाड़ी को थोड़ी देर रोको और ठंडी करो फिर बाद में और चलाओ। नहीं नहीं वो खुद नहीं आ रहे, वो खुद नहीं आ रहे, वो बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा फिर कंपनी वाले भी यही बोलेंगे कि भाई कि मैं आया, उनका रोड से असिस्टेंस कुछ काम करनी है, कोई काम बकवास भाई। ये दर्द बोल रहा है यहाँ पे, दर्द इनका शेयर करना, बस मैं ढालूंगा शेयर करना। किस्मत नहीं, किस्मत का कंटेंट मिल रहा है। आप नरेंद्र जी को फोन लगाओ ना, मोदी जी भाई का फोन लगाओ कि ये बोल रहे रोड साइड असिस्टेंट वाले, अब हम क्या करें, हम ऐसे 20-20 मिनट रुक के आएंगे क्या? मेरी बात सुनो, अपन चलते एक बार स्टार्ट, शोरूम पहुंच जाएगी गाड़ी मेरे हिसाब से, शोरूम चलते हैं। क्या बोले, क्या वो फोन पर क्या बोले आपको? वो फोन पे बोले कि भाई मैं आऊंगा फिर मैं ठीक नहीं करूंगा और मैं ऐसे बता दूंगा भाई ठीक हो गई, मेरे आने से क्या मतलब है, इससे अच्छा मेरे पास पार्ट्स है नहीं, आप सीधा क्या नाम जोधपुर लेके चले जाओ और 20-20 मिनट का इनका रोक लेना। ये बात कही, 20 मिनट में तो पहुंच जाएंगे, नहीं गाड़ी अभी 20 मिनट में कैसे पहुंचेंगे, 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर 20 मिनट में नहीं पहुंच सकते। अरे यार की कर चालू रह गया आप, इसीलिए कह रहा था आते आते हुए 1 घंटा लगा अपन को, आते हुए 1 घंटा लगा, इसीलिए कह रहा था मैं, आते हुए 1 घंटा लगा, आधे घंटे का हेड स्टार्ट दोगे तुम कहीं 1 घंटा नहीं हो जाए तुमको। हां ये भी है, सही बोला, वो जवाई का है यहां का नहीं। चलो 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 यार निकले, फाइनली तो हम निकल रहे हैं। थोड़ी स्टार्ट हुई उनके कूलेंट के फैन में, कर था ये कूलेंट के फैन में प्रॉब्लम थी तो अब वो फैन नहीं चल रहा है जिसके कारण जैसे ही गाड़ी गर्म होगी वो बंद हो जाएगी। तो अब अभी हम इतनी देर यहाँ पर थे तो जैसे आपने पहले क्लिप्स में देखा यहाँ थे तो वो ठंडी हुई तो अब थोड़ा लेके गए वो, बैठो तो अपन भी निकलते हैं, अपन में निकलते हैं। आई होप सो जोधपुर पहुंच जाए आराम से। बट लाइक ये क्या मतलब होता है, एकदम से फैन हमने मतलब ऑफ रोडिंग भी ऐसी अगर कुछ नहीं करी या कुछ भी नहीं करा जिससे फैन को डैमेज हो तो लाइक हुई कैसे वो चीज़, दैट्स द पॉइंट। एंड द मेन पॉइंट इज दैट रोड साइड असिस्टेंस वालों को हमने फ़ोन किया था एंड इज लाइक तिवरी वाला बोलते हैं कि मेरे पास मैं कर नहीं पाऊँगा ठीक फैन को, फैन ना मेरे पास फ़ैन है तो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, अभी मैं आऊँगा तो खोल के रख दूँगा और उसके बाद आप ही जोड़ दूँगा और बोल दूँगा कि मैंने तो कर दी आपकी गाड़ी ठीक, तो कोई सेंस नहीं रहेगा उस बात का। इससे बढ़िया आप जब तक ये चल रही है बिना गर्म हुए जब तक आप चलाइए और जैसे ही गर्म हो तो आप वहाँ 20 मिनट रुक के आप उस चीज़ को ठंडी कर लीजिए गाड़ी को और उसके बाद वापस से चलाइए। ऐसे हम कब तक करेंगे, हम 26 किलोमीटर चले हैं तो ऐसे कब तक करते रहेंगे। और ये चीज़ तो पूरी ब्रॉड करके अगर इसके दो पार्ट में अगर इस वीडियो को निकाले ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये मतलब KTM वालों का ऐसा है ना कि अगर आप गाड़ी बेचने के टाइम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेचने के टाइम वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे और सब चीज़ है कि हम वो कर दें वो है बट दे एट द टाइम व्हेन द थिंग कम एंड दे आर लाइक कि हम क्या करें, अब मतलब उनका बेचने तक का ही है चीज़ कि एक बार कस्टमर को बेच दी उसके बाद में कुछ भी नहीं है।